trying to get stuck in it. Hi guys, welcome back to my channel. So आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेबेल न्यू यॉर्क के इस मस्कारा का रिव्यू और डेमो. दिस इज द फॉल्सेस लैश लिफ्ट मस्कारा एंड जो मेरे पीछे नजारा है वो भी बहुत सुंदर है. सो आई थॉट कि यार मेरे को यहीं पे इसको शूट करना चाहिए. सबसे पहले हम बात करते हैं पैकेजिंग की. सो पैकेजिंग इज इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कलर की पैकेजिंग थी जो कि मैं निकाल चुकी हूँ और इसको यूज करते हुए अराउंड मुझे 2 महीने के आसपास हो गए हैं. तो मैं एक चीज बोलूंगी आपको भी यार ये काफी ज्यादा अच्छा है, आपकी लैशेस को लिफ्ट करता है और मतलब काफी सही है. मैंने इसको आई थिंक 500-550 समथिंग का लिया था. तो इसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कर लेना. इस पे लिखा हुआ है ये तो कहीं से सिल्वर एंड पर्पल कलर का है और इस पे लिखा हुआ है मेबेलिन न्यूयॉर्क द फोर शेज लैश लिफ्ट हाइड्रो फज इस पे लिखा हुआ है एंड ये ट्रैवल फ्रेंडली हो जाता है एंड आई गेस इसमें ना कलर भी आते हैं. तो अगर ऐसा कुछ होगा तो वो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो कहीं इस कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग है. पैकेजिंग इसकी काफी स्टडी है कि लाइक अगर आप ट्रैवल कर रहे हो लाइक मेरी तरह ट्रैवल फ्रेंडली हो जाता है. इजी आप इसे अपने बैग में या फिर यू नो अपने पाउच वगैरह में कैरी कर सकते हो. टाइटली क्लोज हो जाता है ना. आप बात करते हैं कि इसको कैसे यूज करना है. मैं इसको हमेशा ना ओपन करने में कंफ्यूज हो जाती हूँ और मैं इस तरीके से करती हूँ जबकि इसको यहाँ से पर्पल वाली साइड से ना मैं हमेशा और इसको पकड़ती भी इसी तरीके से हूँ. ओके सो यहाँ से ना सबसे पहले कभी भी आप मस्कारा लगा रहे हो ना ब्रश में से जो एक्स्ट्रा है उसको साइड कर दो. तरीके से आपको ना नीचे की साइड से लगाना है और यहाँ पे मेरे बाल उड़ गए एक्चुअली. और देखो नीचे की साइड आपको दोनों साइड से इसको अच्छे से लगाना है. आफ्टर दैट यहाँ पे आपको अपनी लैशेस को लिफ्ट करना शुरू करना है ऊपर की तरफ. पहले नीचे की साइड लगाना है फिर ऊपर की साइड. ये बहुत ही परफेक्ट वाली ट्रिक है अगर आपको अपनी लैशेस की वॉल्यूम बहुत अच्छे वाली चाहिए दो. तो मैं इसी तरीके से इसको यूज करती हूँ. एंड गाइस यहाँ पे मैं बीच वाली प्लेस पे हूँ. गाइस ये वाटर प्रूफ है भाई ये. मतलब मैं समुन्दर के बीच में भीग के आ जाती हूँ और उसके बाद भी ये मेरा ना जस्ट मेकअप रिमूवर से हटाने से हटता है. सो आई थॉट कि यार इतना प्यारा मस्कारा है तो आप लोगों के साथ इतने प्यारे नज़ारे के साथ क्यों ना मैं शेयर करूँ. तो इसी तरीके से हम लोअर लैश लाइन को भी इस तरीके से हल्का हल्का अप्लाई कर रही हूँ. एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको एकदम से नहीं लेना है. कभी भी इसको यूज कर रही हो ना इस तरीके से आपको जस्ट ना ब्रश को क्लीन करते हुए लेके आना है. एंड या गाइस सो कुछ सेकेंड्स के अंदर ये ड्राई हो जाता है. फिर इसकी स्टेइंग पावर की तो गाइस मेरे से तो अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है ना लाइक मुझे आगे वाइप ऑफ करना पड़ता है अदरवाइज ये बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं जाता और लैशेज ऐसे ही रहती है. तो फिर भी मैं इसको बोलूंगी कि 10-15 घंटे तक तो यार एटलीस्ट स्टे करता ही करता है. एंड मुझे काफी पसंद है और बजट फ्रेंडली भी है कि 500 रुपए के 550 के अंदर आपको इतना प्यारा मस्कारा मिल रहा है. सो या अगर आपको ये परचेज करना हो तो इसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेकआउट कर लेना. एंड यहाँ मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ. इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. एंड या बाय बाय.